गेहूं में 1 लाख संख्या हो जाती है, शिव पुराण के 50 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है। तो यही बात मान ले, गिनती का झगड़ा ही खत्म हो गया बिल्कुल। ये जिम्मेदारी महादेव की है, 75,000 रह जाएंगे तो 1 लाख, और ज्यादा हो जाएंगे तो बढ़िया ही बात है। स्पष्ट लिखा है इसमें, लिखा है कि 8 शेर, किलो से शेर थोड़ा ज्यादा होता है, 8 शेर गेहूं की संख्या, गेहूं के दानों की संख्या 1 लाख हो जाती है। तो 8 शेर गेहूं, थोड़ा 8 किलो से ज्यादा उसमें डाल लीजिए। जैसे तोला है वो 10 ग्राम का नहीं होता है, तोला 12 ग्राम का होता है। उसी प्रकार से किलो में 1000 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम से ज्यादा होता है। बुजुर्गों को पूछ लेना, उनको सबको पाई आना ये सब, उन्हें सेरा वगैरह सब पता होता है। तो 8 सेरा, और मैं तो आपको कहूँगा कि 8 शेर की जगह पर 1 शेर और ज़्यादा ले लीजिए, 8 किलो की जगह पर 1.25 किलो और ज़्यादा डाल लीजिए, तो वो पूरा सेरा हो जाएगा। और फिर ये 1 लाख गेहूं के दाने भगवान शिव के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इसमें भगवान महादेव कहते हैं, 1 लाख गेहूं कोई मेरे सिर के ऊपर चढ़ा करके मेरा अर्चन करता है, उसके घर में संतति की वृद्धि होती है, परिवार की वृद्धि होती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये बात रही गेहूं की। एक मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो डाली थी मूंग के दानों के ऊपर, यहाँ लिखा है मुदगानं पूजने देव शिवो यक्षति वै सुखं प्रस्थानं सप्तके नैव प्रस्थानाधेनाथवा पुनः। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिवजी उत्तम सुख प्रदान कर देते हैं, उत्तम। तो आप मूंग के द्वारा भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इसमें वर्णन किया गया, यह करने के बाद 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराइए, यह अनुष्ठान तब पूरा होता है। ये करने के बाद में 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लिखा है ब्राह्मणाश तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणतः। अब इसमें 11 नहीं लिखा है, इसमें लिखा है रुद्र संख्या प्रमाणतः। तो रुद्रों की संख्या कितनी है, बस यही तो व्याकरण पढ़ने का आनंद है, तभी कथा आगे बढ़ेगी, बिना व्याकरण के कथा में कुछ भी आनंद नहीं है। इसमें लिख दिया ब्राह्मणाश तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणतः, ये करने के बाद ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए। कितने ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए, रुद्र संख्या प्रमाणतः। रुद्रों की संख्या कितनी है, रुद्रों की संख्या है 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं। तो यह ग्रंथ कहता है कि 11 ब्राह्मणों को भोजन कराइए, 11 ब्राह्मण को। शंकर जी का कोई भी अनुष्ठान है उसमें विधान 11 ब्राह्मणों को ही जमाने का है, क्योंकि रुद्रों की संख्या 11 है। तो 11 ब्राह्मणों को आप भोजन करा दें, और भगवान शिव की कृपा, धर्म अर्थ काम की वृद्धि होगी, मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई संशय वाली इसमें बात नहीं है। वर्णन किया गया है कि सरसों का दाना, राई के दाने से भी भगवान की पूजा होती है। 160 तोले में इसमें वर्णन किया गया 1 लाख राई के दाने हो जाते हैं। अब 160 तोले का किलो बना लेना, कितना बनेगा उतना। 160 तोले में 1 लाख राई के दाने हो जाते हैं। देखा सरसों से पूजन करने पर शत्रु परास्त हो जाता है, सरसों के दाने से पूजन करने पर शत्रु बिल्कुल परास्त हो जाता है। अरहर या समी के पत्तों से भगवान शंकर की पूजा करें, इससे अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्लोक नंबर 58 नंबर लिखा है, वर्णन किया गया है मरीची संभवा पूजा शत्रु नाश कर स्मृता। काली मिर्च, सरसों यानी राई, इनसे शत्रु की कुभावना है उसका नाश होता है। आड़ की नाम दलशैवा, आड़ की अरहर, अरहर के फूलों से भी भगवान शंकर की पूजा करें तो नाना सुख करी, तमाम प्रकार के सुख चल करके आ जाते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लक्ष्मणं तु पुष्पाणां श्रणु प्रत्ता मुनीश्वरा, 1 लाख फूलों से भगवान महादेव की जो पूजा करेगा
भगवान शंकर उसके भंडार भर देंगे, उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। 100,000 पुष्प से भी भगवान की पूजा करने का विधान बताया गया है, और फिर चमेली के फूलों से भी भगवान की पूजा, कमल के फूलों से भगवान की पूजा, सरसों के फूल से भगवान की पूजा, कनेर के फूलों से भगवान की पूजा है, मल्लिका के पुष्पों से भगवान की पूजा और तिल के पुष्पों से भगवान की पूजा की जाती है, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि हो जाए तो ये जरूर कर लीजिएगा। लिखा है महापातकजम दुखम तक्षणान नश्यन्ति ध्रुवम। भगवान महादेव घोर से घोर, बड़े से बड़े महापातकों को, बड़े से बड़े पापों को दूर कर देते हैं।